नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले करेंगे बात बंगाल में चल रहे सबसे बड़े दंगल की, और इस चुनावी अखाड़े में तो सारे बाहुबली उतर चुके हैं। जहां बीजेपी की तरफ से एक से बढ़कर एक नाम स्टार कैंपेनर उतर चुके हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए एक ही चैंपियन है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनाम बाकी जैसा एक स्वरूप उभरता हुआ नजर आ रहा है। जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे गूंज उठे। वहीं खुद योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी करार देते हुए एक के बाद एक जमकर हमले किए। राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं और ममता बनर्जी दोनों साथ में बोल रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनता को संबोधित कर रहे हैं। आज वहां हिंसा करने वाला कोई नहीं रहा, आज वहां शांति है, वहां पर आज अमन चैन है। जब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसा क्यों होती है? पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी से इस सवाल का जवाब चाहती है। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे पूछूं, बताइए आपके क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है? मोदी जी जब से आए हैं आपके यहां बंगाल में सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और अगर आइए जो भी थोड़ी बहुत सड़कें बनती हुई दिखाई दे रही है, तो पैसा जी किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है, हम शादी जी ने वह पैसा आपको नहीं दिया। कई बड़े बड़े काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। आप सभी का खाता खुला होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आपका खाता खुला है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। खाते खुल गए हैं कि नहीं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे, मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, दिल्ली से पैसा जो मैं नीचे को भेजता हूं तो 100 पैसा भेजता हूं तो बात को फिर 16 पैसा नीचे पहुंच पाता है, यानी लोगों के पास पहुंच पाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम इतने लाचार नहीं है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितना पैसा दिल्ली से चलेगा पूरा का पूरा पैसा लोगों की जेब में जाएगा, लोगों के खाते में जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के खाते को पहला काम किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम यही किया है भारत के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री ने तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है बहनों भाई। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप केवल पश्चिम बंगाल में एक बार 5 वर्ष के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देखिए, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि वह तोड़ा बाजी कर सके और कट बनी नहीं सके। बहनों भाइयों, किसी भी मां के लाल की हिम्मत नहीं। हमारी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार आपको बढ़ा देंगे। भाइयों भाइयों, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के पास किसी कोई हत्या नहीं करने पाएगा, उनकी हिंसा नहीं करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। और मैं बताना चाहता हूं वामपंथी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी, यहां पर होंगे तो अभी सुन लें, टीएमसी के भी तो मेदिनीपुर में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम और विकास का काम बहुत तेज से उरूज पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में बंगाल में 5 साल बीजेपी की सरकार की मांग करते हुए, आइए सुनते हैं कि बांकुड़ा में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। व्हीलचेयर पर बैठी हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं। মিটিং এর লোক হচ্ছে না, তার গায়ের জোরে এজেন্সি দেখাচ্ছেন, চক্রান্ত দেখাচ্ছেন, প্রেসকে কথা বলতে দেন না, ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।
সংবাদ মাধ্যমকে কথা বলতে দেন না। নির্বাচন কমিশন, আমার শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলছি, নির্বাচন কমিশন কে চালাচ্ছেন? অমিত শাহ বাবু আপনি চালাচ্ছেন না তো আমার প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমরা তো চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক, কিন্তু হু ইজ অমিত শাহ? তিনি ইলেকশন কমিশনকে গাইড করবার কে? তিনি ইলেকশন কমিশনের কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, ডে টু ডে কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন। মমতা ব্যানার্জী কা বাঁকুড়া মে চুনাব আয়োগ পর হামলা, ये आरोप। वहां मंच पर खड़े होकर ममता बनर्जी बंगाली में संबोधित कर रही हैं, वहां जनता को, बांकुड़ा की जनता को कहती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं चुनाव आयोग को कि करना क्या है। हम तो चाहते हैं कि पूरी तरह से फ्री एंड फेयर चुनाव हो, इलेक्शन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। सीधा आरोप, गहन आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी वहां पर चुनावी मंच पर खड़े होकर, ये कहकर कि चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में काम कर रहा है और उसके फैसले जो हैं वो निष्पक्ष नहीं हैं। अब रैली वर्सेस रैली की तो स्थिति वहां होगी ही, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आती जाएगी, निकट आती जाएगी, वैसे वैसे प्रचार का भी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। वहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। पुरुलिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो पूरी सभा में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। खुद योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी करार देते हुए एक के बाद एक जमकर हमले किए। ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के मुख्यमंत्री को जय श्री राम के नारे से चिढ़ क्यों है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख पर बंगाल में गो तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, जल्द ही आज का बंगाल सुनार बांग्ला में बदल जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है, 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। अमित सिंह जुड़ रहे हैं पुरुलिया से, बांकुड़ा से अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सब, आप दोनों को नमस्ते। वहां भीषण गर्मी है लेकिन राजनीतिक टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ लग रहा है। अमित बताइए, पुरुलिया में कैसा हुआ स्वागत सत्कार योगी आदित्यनाथ का? देखिए आनंद, योगी आदित्यनाथ जब इस ग्राउंड में यहाँ पर पहुंचे थे तो उस वक्त भीड़ बहुत कम थी, मात्र आपको बताएं कि 500 से कम लोग थे। उसके बाद मंच से आरोप लगाया गया, कहा गया कि पुलिस प्रशासन ने जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो आम लोगों को इस ग्राउंड तक पहुंचने नहीं दे रही है। और उसके बाद जो है, जब योगी आदित्यनाथ मंच पर आए 15-20 मिनट बाद तकरीबन हजारों की तादाद में जो है लोग इस ग्राउंड में आ गए, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 की तादाद में जो लोग यहाँ पर मौजूद है योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि
जब वो पिछली बार यहाँ आए थे तो उनके हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया गया था, वो झारखंड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, उसके बाद 35 किलोमीटर का सफर तय करके वो यहाँ पर पहुंचे थे। सीधे मेरे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के नेता, स्थानीय नेता हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कहाँ रोका गया था आपके कार्यकर्ताओं को कि इस ग्राउंड में तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा? देखिए, इस ग्राउंड के 3 और 4 किलोमीटर के डायमीटर में 3-4 जगह लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कार्यकर्ता को रोक दिए गए। तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर के पैदल के जो सफर है वो तय करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा समय लग गया, इसीलिए थोड़ा विलंब हुआ। फिर आपने देखे कैसे पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि जोगी जी को लेकर स्थानीय कार्यकर्ता आम आदमी में कितना उत्साह उमंग था आप देखें खुद। आनंद, जब 2019 लोकसभा चुनाव हुआ था तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 8 विधानसभा सीटों पर लीड लिया था बीजेपी ने, और उसमें जो यहां पर स्थानीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है उनका कहना था कि इसमें योगी आदित्यनाथ का जो स्पीच था, जो भाषण था, जो लेकिन अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 2016 में से 9 में से 7 सीटें अभी तृणमूल कांग्रेस के पास है, तो अब की बार कितनी जीतेंगी जल्दी से पूछिए। वहां पर क्या दावा ठोक रहे हैं स्थानीय लीडर्स बीजेपी के? जी हाँ, बिल्कुल सीधे बात कर लेते हैं। 9 सीटें 2016 विधानसभा चुनाव में जो 9 सीटें थी उसमें से 7 टीएमसी के कब्जे में थी, इस बार का क्या स्थिति रहेगा? आप देखिए, दीदी बोल रहे हैं कि खेला होबे, हम लोग बोल रहे हैं खेला तो होबे पर गोलकीपर इंजर्ड है, रिटायर्ड हार है। हम लोग शुभकामना देते हैं दीदी को जो एकदम तुरंत आप वो सुस्त हो जाए। 9 में से कितनी सीटें? एकदम 9 में 9 ही। 9 में से आप बताओ कितनी सीट? 9 में 9 ही मिलेगा। 9 में 9 का दावा ठोक रहे हैं पुरुलिया में बीजेपी के कार्यकर्ता। ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले उनको 4 किलोमीटर पहले रोका गया ताकि लोग पहुंच ना पाए, लेकिन 20,000 तक पहुंच गए थे योगी आदित्यनाथ के बोलना शुरू होने से पहले ही। अब ये सारे जो हैं ये तो पॉलिटिक्स में ये खेल चलता रहेगा, लेकिन क्यों हो रहा है खेल, यही एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है। पुरुलिया के बाद योगी आदित्यनाथ की रैली कहां जा रही है? अगली रैली बांकुड़ा के जिले में रायपुर में है, 2:00 PM। पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा करेंगे। बांकुड़ा में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 4 सीटों पर सलतोरा, छतना, रानीबंद और रायपुर में पहले चरण में ही मतदान होना है। अब इसके अलावा योगी की पश्चिम मेदिनीपुर में भी रैली है, पश्चिम मेदिनीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में ही मतदान होने हैं। ये पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 मार्च को जब चुनाव होगा और जब मतदान होगा, और उसके बाद 1 अप्रैल। बांकुड़ा चलते हैं, अरुण सिंह के पास बांकुड़ा चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ अखाड़ा में। अब